दिए इसमें ओके मेजरमेंट ऑफ 2 स्पून तेल, 2 से 3 स्पून का मैंने तेल डाल दिया। आप कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हो। एक्चुअली बेसिकली मैं अपना किचन में 3 तरह का तेल रखता हूँ, एक सनफ्लावर, राइस ब्रान एंड बेसिकली मैं अपना घर में 3 तरह का तेल इस्तेमाल करता हूँ और ओनली फ्रॉम पतंजलि, बिकॉज पतंजलि इज द फिजिकली रिफाइंड ऑयल। तो मैं फिजिकली रिफाइंड ऑयल खाना पसंद करता हूँ क्योंकि बाजार में जो दूसरा चीज मिलता है वो केमिकल से आइसोलेट किया जाता है, तो इसीलिए मैं ये पसंद नहीं करता। तो मेरा पतंजलि इज माय फेवरेट वन फॉर द ऑयल, क्योंकि ये रेगुलर यूज करते हैं ना, तो रेगुलर कोई चीज खाते हो अगर केमिकल खा रहे हैं तो ये बीमारी कर सकता है, तो इसीलिए मैं पतंजलि प्रीफर करता हूँ। तो ये तेल डाल दिया, तेल गर्म हो जाने के बाद हम उसमें, तो तेल गर्म हो गया है शायद, तो उसमें हम क्या करेंगे, लेट्स सी। तो इसमें मुझे कलर लाना है, तो मैं रेड चिल्ली खाना पसंद नहीं करता, तो इसमें मैं थोड़ा सा चीनी डाल दूंगा, राइट। तो चीनी जब ये वॉन हो जाएगा तो ये कलर छूटेगा, तो दैट इज ए वन वे टू हैव द कलर इन द करीज। तो मैं ये पसंद करता हूँ कि चीनी को बर्न करना पसंद करता हूँ, तो चीनी डाल देंगे। तो इसको अभी चलाना है, चीनी बर्न हो जाए, फिर चीनी तो बर्न हो गया आई थिंक, ओके। तो इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। तो हमने मसाला ऑलरेडी कूट चुका था, अदरक प्याज लहसुन, तो इसमें मैंने क्या क्या डाला था, अदरक प्याज, 2 प्याज डाला था एक मीडियम साइज का, 2 टमाटर मीडियम साइज का, 1 छोटा टुकड़ा अदरक, ये देख सकते इतना छोटा टुकड़ा अदरक, और 5 से 7 कुल लहसुन का। तो मैंने ये डाल के इसको बना दिया था, ग्राइंड कर लिया था। तो ये हम उसको थोड़ा चलाने लगेंगे, ये थोड़ा फ्लेम हाई कर देंगे। तो मसाला को अच्छी तरह से चलाना जरूरी होता है, जब तक तेल नहीं निकल आए तो आप उसको चलाए। ये बॉयल होने स्टार्ट किया तो हम अभी फ्लेम को स्लो कर देंगे, राइट। दिस इज द ट्रिक कि तुरंत ही गर्म करके उसको तुरंत ही स्लो कर डालें, तो इससे क्या होगा ना, मसाला जलेगा नहीं आपका। तो ये अभी स्लोली बॉयल करने उसको छोड़ देंगे हम, राइट। और मसाला अच्छे से कुक होने के लिए हम इसमें क्या करेंगे ना, इसमें हम आपका थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, तो नमक डाल देंगे इसमें, ओके। तो नमक डाल दिया इसमें, तो नमक भी अच्छे से कुक हो जाएगा, क्योंकि सादा नमक जनरली जितना अच्छा कुक हो अच्छा है, ऊपर से नमक नहीं खाना चाहिए, जो कि हाई बीपी पेशेंट के लिए बहुत ही हेल्थ के लिए सही नहीं रहता है नमक, तो इसीलिए हम पहले से ही थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, ओके। बाद में जब सब सब्जी बन बॉयल करेंगे तो तब उसमें हम नमक डालेंगे हमारे टेस्ट वाइज। तो ये मसाला को थोड़ा सा ढक लेंगे 2 मिनट, ओके। तो मसाला को ढकने दो, तो आपको बीच बीच में खोल के उसको चलाना भी पड़ेगा, राइट। हाँ, ढक्कन डाल के फिर आपको चलाना पड़ेगा, मसाला को अच्छे से उबलने देना चाहिए। तो इसमें मैं थोड़ा सा हल्दी डाल दिया हूँ ना, थोड़ा सा धनिया का पाउडर डाल देंगे, ओके, एज पर योर टेस्ट, आप धनिया कितना खाना चाहते हो, ओके। मैं बाहर से ऊपर ज्यादा मसाला खाना पसंद नहीं करता, तो थोड़ा सा धनिया का पाउडर डाल दिया, फिर इसमें थोड़ा सा मसाला वाला पाउडर डाल देंगे, ओके, MDH का मसाला पाउडर। अब उसको हम अच्छे से चला देंगे, राइट। सब डल गया, तो सब को अच्छे से मिक्स कर दो।
देख सकते हैं कि अच्छे तरह से उसको चलाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मसाला अगर पका नहीं है अच्छे से आपका, तो भैया आपका सब्जी कच्चा रह जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी अभी मसाला डाला है, थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे, क्योंकि उसको अच्छे से पकना बहुत जरूरी होता है मसाला को, राइट। ओके, तो ये मसाला को थोड़ा सा ढक देंगे और पकने देंगे, राइट। तो आप देख सकते हैं कि पहले से मैंने मटर, पनीर और आलू सब छील के रखा है, मटर को छील के रखा है, कच्चा ही लिया है मैंने, और पनीर को थोड़ा सा पीस में काट के उसको तेल में थोड़ा फ्राई कर दिया है, आलू को भी मैंने काट के फ्राई कर दिया है, दो आलू और 200 ग्राम का पनीर, राइट। हाँ, और करीबन 250 ग्राम का मटर, ठीक है, इट्स रेडी फॉर तीन आदमी खाने के लिए। तो चलो देखते हैं मसाला, हमारा पांच आदमी हो गया, बन गया है यानी। ओके, तो मसाले बहुत अच्छा खुशबू आने लग रहा है। ओके, मसाला से फाइन, तो मगर अभी तक तेल नहीं निकला है, क्योंकि हमने ढक के रखा है, उसको खुला रखने से ना पानी उड़ जाएगा और तेल निकलना शुरू करेगा, तो पहले और थोड़ा टाइम उसको पकाऊंगा। तो चलिए देखते हैं क्या स्टेटस है। वो मसाला बहुत अच्छे से पक गया होगा, अब हम उसको खुला रख देंगे, तेल निकलने के लिए देंगे, राइट, ठीक है। उसको थोड़ा सा खुला पकने दीजिए, जैसे कि ये तेल निकल रहा है, तो उसको अच्छे से चलाते रहिए, ओके, जैसे कि नीचे ना लगे मसाला, मसाला से जब तक तेल ना निकले तब तक आप मसाला चलाइए, राइट, क्योंकि मसाला पकना बहुत जरूरी होता है, कीप इट इन माइंड। तो आप अभी देख रहे हैं मसाला से साइड साइड में तेल निकलने शुरू हो गया है, ये साइड में लगा हुआ है तेल, देखे तेल अपने ही आप निकलना स्टार्ट हो जा रहा है, तो मतलब मसाला मेरा रेडी, सो नाउ वी कैन प्रोवाइड आवर, उसमें अपना मटर आलू डाल सकते हैं, पनीर बाद में डालेंगे क्योंकि बहुत चलाना पड़ता है, राइट, तो इसके एंगल में नहीं तो पनीर डाल देने तो पनीर टूट जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं अपना आलू डाल दिया इसमें, राइट, ओके, पनीर नहीं डालना है अभी, अब इसमें हम मटर डाल देंगे। मैंने मटर को मैं तेल में भूजना पसंद नहीं करता, मटर ऐसे ही रहना चाहिए नेचुरल, तो उसका सब कंटेंट मुझे मिलेगा, तो बाद में मैं उसको पानी दे के थोड़ा उबाल दूं, राइट, ठीक है। आप अगर चाहते हो कि मटर को भूज के डालने के लिए, तो आप मटर को फ्राई कर सकते हो, मगर मैं उसका तत्व नहीं खोना चाहता हूँ, ओके, तो इसीलिए मैं उसको नहीं करूंगा, फ्राई नहीं किया, तो दिस इज माई स्टाइल ऑफ कुकिंग, सी, ओके। तो इसको अच्छे से चलाइए, फिर इसमें क्या करना है आपको, पानी डाल देना है, आपको जितना पानी डाल ग्रेवी खाना चाहते हो उस वे में, मैं थोड़ा सा पानी पानी खाना पसंद करता हूँ, ज्यादा ग्रेवी नहीं, क्योंकि चावल में खाना है इसको, तो इसीलिए इसको अच्छे से चलाना है, ओके। और मटर को बाद में, सॉरी, पनीर को आपको बाद में डालना है, ओके, ये याद रखना है। अब पनीर अगर डाल के आप बॉईल करोगे तो पनीर आपका टूट सकता है, तो इसीलिए पनीर को आप अभी नहीं डालना है, पनीर को बाद में डालना है। अभी ये पानी जो हो गया, इसको थोड़ा बॉईल करने छोड़ दो, राइट, इसको बॉईल करने के छोड़ दो, तो जो मटर है, मटर का अंदर में सब कुछ चला जाए, और उसमें हम थोड़ा सा अभी अभी हमारा टेस्ट जान के हम उसमें नमक डालेंगे, तो थोड़ा सा स्पून में आप पानी को निकालो और टेस्ट करिए कि नमक का स्वाद कैसा है। सो नमक सही है, तो नमक और नहीं ऐड करेंगे, राइट। अब हम इसको ढक देंगे बॉयल होने के लिए, राइट, पांच मिनट बॉयल होने दो। चलिए देखते हैं क्या स्टेटस है, राइट, ये मटर उबल रहा है, मटर आलू का अंदर में सब नमक वमक सब घुस जाए, तब तक आप वेट करिए, हॉट टाइम वेट करिए, ओके, ठीक है ना। अब हम उसमें पनीर डाल देते हैं, पनीर भी इसमें उबल जाए,
चला दो थोड़ा सा। चलो इसको बंद कर देते हैं हम। तो देख सकते हैं कितना सुंदर खुशबू दे रहा है। तो ये मैंने उसको बॉईल करवा दिया हम। ओके तो ये चावल के साथ मेरा सब्जी खाने का रेडी हो गया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लिक्विड पसंद होता है, ड्राई में खाना बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो ये मेरा पनीर थोड़ा बड़ा बड़ा साइज मैंने बनाया है, इसको छोटा बनाना चाहिए, मुझे पसंद आता है कि बड़ा बड़ा पनीर दिखना चाहिए कि पनीर है, और पनीर छुप जाए तो पनीर मटर कहाँ है का पनीर मटर। तो ये पनीर दिख रहा है, मटर भी दिख रहा है, आलू भी इसके साथ डाला गया है। तो इस तरह से आप बनाया करिए, दिस इज वेरी इजी। तो ये मेरा पालक पनीर बन गया। सो थैंक यू वेरी मच, दिस इज वेरी इजियर टू कुक, यू नो कुकिंग इज वेरी इजियर। ओके सो बेस्ट विशेस, थैंक यू। अगर ये एक बार बना के देखिए, खाइए और मुझे कॉमेंट करिए कि कैसा लगा। ओके तो आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक बटन मत भूलिएगा, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर हेल्थ कुकिंग सुकिंग एंड योर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। राइट, थैंक यू।